नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल दुनिया सपनों की। और दोस्तों, सपनों की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है, यदि आप सपने में हनुमान जी को देखते हैं तो आपको ये पांच संकेत मिलते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं, सपने में यदि आपको हनुमान जी दिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, आपको क्या संकेत मिलते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। और जिन लोगों ने कभी भगवान को सपने में नहीं देखा, वो लोग कभी ऐसे सपनों पे विश्वास भी नहीं करते हैं। लेकिन जिन लोगों को सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, वो लोग ऐसे सपनों पे विश्वास जरूर करते हैं। और बहुत कम ही लोग होते हैं जिन लोगों को ऐसे सपने आते हैं जिनको भगवान सपने में दर्शन देते हैं। इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं, यदि आपको सपने में हनुमान जी सपने में दिखाई देते हैं तो आपको ये पांच संकेत मिलते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, यदि आपको सपने में हनुमान जी दिखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में भी परेशानियां खत्म होने वाली है, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी। और यदि आप हनुमान जी को सपने में मुस्कुराते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। जो काफी समय से आपकी कोई अधूरी इच्छा थी, वो जल्द ही पूरी होने वाली है। और यदि आप सपने में हनुमान जी को सोते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपकी आयु में वृद्धि होने वाली है। और यदि आप हनुमान जी को विशाल रूप में देखते हैं, बहुत बड़ा रूप देखते हैं हनुमान जी का, तो इसका अर्थ होता है कि आपके दुश्मनों का नाश होने वाला है। हर परेशानी में हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी को देखने का अर्थ ये भी होता है कि यदि कोई व्यक्ति पहले काफी पूजा करता था, हनुमान जी की आराधना करता था और उसने अब छोड़ दी है, तो इसका संकेत होता है कि भगवान चाहते हैं आप फिर से आप उनकी आराधना पूजा करना शुरू कर दें। इसलिए हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनकी पूजा आराधना करें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।